हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सीएस प्रोफेशनल फॉर कॉपरेट फंडिंग और आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सभी एल ओडीआर रेग्यूलेश्स टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड हियर एल ओडीआर स्टैंड फॉर लिस्टिंग ऑब्लीगेशन एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट नाउ दिस रेगुलेशन केम इन द ईयर 2015 एंड इससे पहले ये जो रेगुलेशन था ये गवर्न किया जाता था बेसिकली ये रेगुलेशन भी नहीं था ये जो एल के जितने भी यहाँ पर हम प्रिंसिपल और प्रोविजन्स को देखेंगे ये सब गवर्न किया जाता था थ्रू अ लिस्टिंग अग्रीमेंट जो कि एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्जीक्यूट करती थी हम अब चेक करेंगे एल के अंदर क्या प्रोविजन है क्यों एल ओ डी है और कैसे यहाँ पर जो कंपनीज यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है उनको क्या क्या कम्प्लाइंसेज यहाँ पर करना पड़ता है सो अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस लेट्स बिगेन विथ अवर टूडेज लेक्चर तो जैसे यह सेकेंड सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन को आया था और उसके बाद में अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी चल रहा है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो देर वर मल्टीपल अमेंडमेंट्स दैट वर मेड इन एल ओ डी आर रेग्यूलेशन और अभी भी ये एल ओडीआर रेग्यूलेशन के अंदर काफी अमेंडमेंट्स कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं so सो जैसे मैंने बताया था कि बिफोर एल ओ डी आर रेगुलेशन एक लिस्टिंग अग्रीमेंट हुआ करता था जिसको कंपनीज एग्जीक्यूट करती थी विद द स्टॉक एक्सचेंज सो ये जो लिस्टिंग अग्रीमेंट था दिस वॉज अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी विच यूज टू गेट लिस्टेड और विच इंटेंडेड टू गेट लिस्टेड एंड बिटवीन द स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पर इस अग्रीमेंट के अलग अलग क्लॉजेस थे उन क्लॉजेस को ही यहाँ पर चेंज करके क्या बना दिया गया एल ओ डी आर रेगुलेशन बना दिया गया हमने आई सी डी आर के टाइम पर भी चेक किया था कैसे सेक्शन इलेवन इलेवन ए सेक्शन थर्टी ऑफ़ सेबी एक्ट पावर देता है सेबी को टू मेक द रेगुलेशन बट यहाँ पर आपको एक और प्रोविजन को पढ़ना है थर्टी वन ऑफ एस सी आर ए रेगुलेशन ना एस जैसे कि आपको पता है ये पूरा का पूरा जो एक्ट है ये डील करता है स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ अब मूविंग हेड अगर हम देखें तो वट आर द प्रिपल्स विच गवर्न दल ओ डी आर ब्रॉडली तो यहाँ पर है डिस्कलोजर एंड ट्रांसपेरेंसी

और थ्रू एनी अदर मीडियम सो यहाँ पर जैसे बताया है कि इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्लोज इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड सो यहाँ पर जो भी आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेंगे दीज ऑल शुड बी डिस्क्लोज एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड फर्दर अगर आप देखो द लिस्टेड एंटिटी शैल इम्प्लीमेंट द प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन लेटर एंड इन स्पिरिट इन द प्रिपेषन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो ये जो आप यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करोगे दिस शुड नॉट बी जस्ट इन लेटर इट शुड ऑल्सो बी इन स्पिरिट अब इन लेटर इन स्पिरिट का यहाँ पर क्या मतलब रहता है अगर किसी भी लॉ को हम जस्ट फॉर नेम सेक फॉलो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन लेटर और एक्चुअल में जब उसको हम फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इन स्पिरिट इन स्पिरिट को हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि वॉट वॉज द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर वाइल मेकिंग दिस लॉ तो आप यहाँ पर इंटेंशन को फॉलो करते हो और अकॉर्डिंगली आप उस लॉ को कंप्लाई करोगे यहाँ पे सो so आपको यह बोला गया है दैट तो आप यहां पर जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वाइल प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप उसको फॉलो करोगे नॉट जस्ट इन लेटर बट ऑल्सो इन द स्पिरिट एंड यू शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इसके अलावा आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शुड बी कंडक्टेड द ऑडिट ऑफ दफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कम Conducted by the independent, competent, and qualified auditor. Then the listed entity should, shall refrain from misrepresentation and ensure that the information provided to the recognized stock exchange and investor. इज़ नॉट मिसलीडिंग क्योंकि आप सिंपली चेक करो कोई भी अगर रिप्रेजेंटेशन होता है या अगर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के पास आ जाए तो उसका प्राइस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आई डोंट रिमेम्बर मैंने आप लोगों को शायद ये बात बताया कि नहीं बट आई एम टेलिंग यू वंस इट्स ऑलमोस्ट बिन इलेवन एंड ट्वेल्व ईयर्स बैक स्टोरी जब मैं सी ए इंटरमीडिएट के लिए अपना ट्रेनिंग कर रहा था मेरा सी ए इंटर के बाद में ट्रेनिंग जब स्टार्ट हो गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्ल रिमेंबर आई यूज टू डील इन स्टॉक एक्सचेंजेस हम शेयर्स के ऊपर कुछ ट्रेडिंग करते थे एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर ठीक है जो न्यूज़ था एक बेसिकली न्यूज आया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को आसाम में एक तेल का कुआ मिला है देव फाउंड अ ऑयल वेल इन नॉर्थ ईस्ट आसाम के अंदर उनको कहीं पर मिला एंड ये र्यूमर था बेसिकली और आपको अगर मैं बताऊँ तो विद इन वन आर ये जो आई का शेयर थे इसके ऊपर अपर सर्किट लग गया था अपर सर्किट कब लगता है जब प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ़ फ्लक्चुएट कर जाए तो वहाँ पर अपर सर्किट लग गया था और मार्केट में इसको फिर इसका जो ट्रेडिंग था इसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया था रोक दिया गया था आफ्टर दैट जो आई ओ सी के चेयरमैन थे आई थिंक सुबीर रहा वॉज द चेयरमैन दैट टाइम वो आए और उन्होंने सी एन बी सी के ऊपर बोला कि नहीं हमें कोई भी यहाँ पर इस तरह से ऑयल फील्ड नहीं मिला तो इमीडिएटली फिर जो प्राइस था आईओसी का वो प्राइस नीचे डाउन शूट डाउन कर गया सो so, आपको सिंपली वही बात ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो या कोई भी मिस लीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हो वो चाहे कंपनी की तरफ से आए या फिर अदरवाइज ये आज के डेट में जैसे हम चेक करते हैं सोशल मीडिया में किसी भी तरीके से अगर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए तो उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है और एल इंश्योर करता है कि लिस्टेड कंपनी इस सब चीज़ों से रिफ्रेन करे कि कोई भी ऐसा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या मिसरीप्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाए देन द लिस्टेड एंटिटी शैल ऑल्सो प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू द रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो टू द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी

टाइमली रहे एंड इट शुड ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द सिंपल लैंग्वेज बिकॉज आप और मैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझते हैं हम लॉ को समझते हैं बट आज के डेट में हमारे पास में कोई अगर मेडिकल टर्म आ जाए या कोई मेडिकल से रिलेटेड या इंजीनियरिंग या एस्ट्रोफिज़िक्स कोई भी अगर स्पेस रिलेटेड कोई भी टर्म हमारे पास आ जाए तो शायद हम उसके बारे में इतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे सो so जैसे हमें चीज़ें चाहिए होंगी कैसे एक सिंपल लैंग्वेज में वैसे ही जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं हु आर नॉट फाइनेंशलीट लिटरेट और हुए वहां पर बोला गया कि ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे दैट शुड बी प्रेजेंटेड इन अलग्वेज देन चैनल फॉर डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन शेल प्रोवाइड फॉर इक्वल टाइमली एंड कॉस्ट एफिशियंट एक्सेस टू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बाय द इन्वेस्टर्स और इसी के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है स्टॉक एक्सचेंज इज़ द बेस्ट प्लेस फ्राम वेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन शुड बी डिसेमिनेटेड सो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा जरिया है या फिर कंपनी की खुद की वेबसाइट राइट right? सो so, ये दो आपको एक बहुत स्ट्रांग मोड बताया गया है जहाँ से आप क्या कर सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप डिस्क्लोज कर सकते हो टू पब्लिक फर्दर

then filing reports, statement, documents and information which are event based or are filed periodically shall contain relevant information and periodic filing reports, statements, documents and information reports shall contain information that shall enable the investor that shall enable the investor to track the performance of the listed entity over the regular interval of time एंड शेल प्रोवाइड सफिशेंट इन्फॉर्मेशन टू एनेबल द इन्वेस्टर्स टू असैस द करेंट स्टेटस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट अगर आप चेक करोगे कि डिस्क्लोजर्स जितना भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में हो गए या से भी रेगुलेशन में हो गए जहां पर भी आप चेक करोगे वेर एवर पी टॉक अबाउट डिस्क्लोजर्स इट्स फॉर द इनफॉर्म्ड डिसीशन सो दैट वट एवर डिसीशन दैट आर टेकन बाय द इन्वेस्टर दैट्स वट दो इन्फॉर्म डिसन एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पर सेबी ने प्रोविजन लगा के रखा है कि यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेशन होगा इस लिस्टेड कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा सो ऑल दिस इज फॉर द डिस्क्लोजर अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना ये जो इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करते हो ये ऐसा होना चाहिए इस तरह से नहीं कि इट शुड गो टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स और फिर ये बाकियों के पास जाए इट शुडेंट हैपन दिस वे सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं निकलना चाहिए वट एवर इन्फॉर्मेशन यू डिसेमिनेट जो भी आप पब्लिक करते हो इट शुड बी फॉर ऑल अदरवाइज आप चेक करो यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा अगर सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स के पास ही वो इन्फॉर्मेशन है और सबके पास नहीं है देन इन दैट केस ये सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं So, ज को डिस्कलोज करने और कब कब डिस्कलोज करने ये सब पर आपको के अंदर देखने को मिलेगा मूविंग अहेड अगर हम यहां पर चेक करें प्रिंसिपल गवर्न दवर्नेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सो अब यहां पर क्या चीजें हैं बेसिकली इधर बताया हुआ है अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अगर मैं आपको बताऊ तो कॉपोरेट गवर्नेंस के अंदर जो प्रिंसिपल्स है वो बेसिकली क्या रहते हैं नॉट टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन फोर और एल रेगुलेशन मैं आपको बताता हूं कॉपोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हुआ था कैडबरी कमेटी इन यूके एंड इंडिया के अंदर कुमार मंगलम बिरला कमेटी रिपोर्ट था जो कि लिस्टिंग अग्रीमेंट के अंदर क्लास 49 की तरह अडॉप्ट किया गया था देन नारायण मूर्ति कमेटी रिपोर्ट वाज आल्सो देयर जो आई थिंक आप लोगों ने एथिक्स में एंड कंपनी लॉ के अंदर डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में पढ़ा होगा बट अदरवाइज अगर आप चेक करो तो कॉपोरेट गवर्नेंस के अगर आप प्रिंसिपल्स को देखो तो कॉपोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स तीन आते हैं यहाँ पे और इसका इक्रॉनिम मैंने जो बना के रखा है इट इज़ वॉट फैट मतलब ज़रूरी नहीं कि एग्जाम परस्पेक्टिव से आप देखो मैंने जब पढ़ा था एज अ स्टूडेंट तो मेरे दिमाग में ये तीन एक्रॉनम बनाकर दिया हुआ था ये तीन वर्ड से कॉपोरेट गवर्नेंस निकला और ये आज तक काफ़ी फिट बैठता है जैसे एफ स्टैंड फॉर फेयरनेस ए स्टैंड फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड टी स्टैंड फॉर ट्रांसपेरेंसी सो so, ये तीन ब्रॉड प्रिंसिपल्स होते हैं फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी सो ये आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं बट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेक होल्डर्स और अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात करो तो इसमें बेसिकली बात किया गया है द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर देन इनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिले देन इक्विटेबल ट्रीटमेंट कि सबको एक जैसा यहाँ पर ट्रीटमेंट हो कोई डिफ्रेंशिएट हम नहीं करें या पार्शलिटी यहाँ पर नहीं हो किसी भी स्टेक होल्डर के साथ में देन ऑल्सो द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉपोरेट गवर्नेंस एंड देन डिसक्लोशर्स एंड ट्रांसपेरेंसी सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे विच डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर बेसिकली कौन होता है जैसे अगर आप चेक करो रिलायंस में किसी के पास कुछ हंड्रेड शेयर्स है कुछ किसी के पास पाँच शेयर है दस शेयर है हज़ार शेयर है बहुत ज़्यादा अमाउंट का जिनके पास शेयर नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऐसे लोगों को नाउ मूविंग हेड अगर हम देखें तो राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर तो ये बताया अब ये प्रिंसिपल्स मेरे को नहीं लगता एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाए बट स्टिल रेगुलेशन फोर के अंदर यहाँ पे था तो इसको मेरे को लगा आपको डिस्कस कर देना चाहिए एंड काफ़ी इजी सा प्रोविजन अगर आ भी जाए तो आप आराम से लिख सकते हो एक बार अगर आपका डिस्कस किया हुआ रहेगा आपका रीड आउट किया हुआ रहेगा इट विल भी ईजी फॉर यू टू फ्रेम द आंसर प्लस आई एम वेरी श्योर दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर एथिक्स पेपर सो आप देखिए यहाँ पर राइट्स ऑफ शेयर होल्डर के लिए बात करें तो उनको बताया वै दैट दे अ राइट टू पार्टिसिपेट अगेन डिसीज़न मेकिंग के अंदर वहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन रहता है नाउ डे टू डे डिसीजन के अंदर नहीं रहेगा बट जब भी यहाँ पर कोई भी फंडामेंटली कॉरपोरेट चेंज होगा तो उनके पास राइट right रहता है फंडामेंटली कॉरपोरेट चेंज मतलब कुछ मेजर डिसीशन जब कंपनी में आ रहे हैं जिसमें कंपनी के अंदर एक रेडिकल चेंज होगा सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वेल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट Then they'll also have the opportunity to participate effectively in the voting of the general meeting of the shareholders. Then यहाँ पर आपने चेक किया जैसे e-voting के procedures को इंक्लूड किया गया था कंपनीज एक्ट के अंदर बिकॉज जितने रिटेल शेयर होल्डर्स थे जो ए में नहीं आ सकते और जो वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते थे उनके लिए ई वोटिंग का प्रोविजन लेकर आया गया so यहाँ पर वही बताया हुआ है बींग इन्फॉर्मड ऑफ द रूल्स इंक्लूडिंग द वोटिंग प्रोसीजर दैट गवर्न इन द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स देन अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चन आप में से किसी ने अगर एक्चुअल में ए जी एम को अटेंड किया तो आपने देखा होगा वहाँ पर शेयर होल्डर्स आते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर डायरेक्टर्स वगैरह करते हैं एंड देन ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू रीजनेबल लिमिटेशन बिकॉज जैसे मैंने आई टी सी का ए जी एम को अटेंड किया था और वहाँ पर मैंने देखा था आई टी के एजीएम के अंदर लाइक दे वर सो मेनी पीपल हुआ कमिंग एंड आस्किंग कुछ वैलिड क्वेश्चन पूछते थे कुछ काफी इन वैलिड पूछते थे बहुत सारे लोग सजेशंस वगैरह देते थे एंड जो चेयरमैन है वहाँ पर वो फिर उसको आंसर करते थे क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन ऑडिटर के ऊपर होता था कुछ सी के ऊपर होता था एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पर उन क्वेश्चन को किया जाता था देन इफेक्टिव शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन इन की गवर्न कॉपोरेट गवर्नेंस डिसिशंस नॉमिनेशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द बोर्ड देन ओनरशिप

सफिशियंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन और इसी को तो हम क्या 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 बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी सफिशियंट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन कंसार्डिंग द डेट लोकेशन एंड एजेंडा ऑफ द जनरल मीटिंग और अगर आप चेक करो ट्वेंटी वन डेज का क्लियर आपको नोटिस दिया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर एंड इसके अलावा द नोटिस इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी सो अगेन यहाँ पर यही रीजन रहता है फर्दर आप देखो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट दैट एनेबल्स सर्टन शेयर होल्डर्स टू ऑबटेन अ डिग्री ऑफ कंट्रोल डिसअप्रोप्रिएट इक्विटी ओनरशिप देन राइट्स अटैच टू ऑल सीरीज एंड क्लास ऑफ शेयर विच शैल बी डिस्कलोज टू द इन्वेस्टर्स बिफोर दे अक्वायर द शेयर सो लेट द बायर बी अवेयर तो ये वाला प्रोविजन यहाँ पे हो जाता है देन अगर आप देखो इक्विटेबल ट्रीटमेंट सो ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द सेम सीरीज शुड बी ट्रीटेड इक्वली वो जो परिपासू कंपनी लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर परिपासू सो यहाँ पर वही प्रोविजन आ जाता है

का कोई म्यूचुअल फंड है वो मार्केट में जाके अभी आईटीसी के, के शेयर्स को खरीदने वाला है तो बिफोर दैट म्यूचुअल फंड द द शेयर शेयर आई गो एंड या मुझे पता है वो शेयर्स को बेचने वाला है और उसके बाद प्राइस में फॉल आएगा तो मैं जाकर अपने शेयर को उनसे पहले बेच देता हूँ उसको हम क्या बोलते हैं यहां पर फ्रंट रनिंग तो यहां पर इनके लिए भी मना किया गया है कि आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन के साथ डील नहीं करोगे दिस नॉट कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग बट ये क्या हो गया फ्रंट रनिंग हो गया देन

और उनके पास सफिशिएंट रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन रहना चाहिए ऑन द टाइमली बेसिस ऑन अ रेगुलर बेसिस वहाँ पर रहे इसके अलावा विसल ब्लोअर मैकेनिज्म रहना चाहिए कि अगर कंपनी में कभी भी आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो विसल ब्लोअर मैकेनिज्म वहाँ पर होना चाहिए आगे जाकर हम आज ही के लेक्चर में इसको कवर करेंगे इन टर्म्स ऑफ विसल मैकेनिज्म सो so, ये भी रहता है सो so, विसल ब्लोअर के लिए अब इससे फायदा क्या होता है कि विसल ब्लोअर बेसिकली कौन होगा वो इंसान जो अगर कुछ भी गलत हो रहा है कंपनी के अंदर वो उसको डिस्क्लोज कर देता है वो विसल बजा के उसको बजा देगा अब लिटरल में वो विसल नहीं बजाता बट बेसिकली उसको हम विसल ब्लोअर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप चेक करो जो चौकीदार होते हैं या पुलिस वाले रहते हैं उनके हाथ में वो सीटी रहती है जिसको वो बजा देते हैं अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो दे ब्लो दैट विसल सो सेम वे यहाँ पर कुछ भी कंपनी में गलत हो रहा है तो विसल ब्लोअर जैसे आई के केस के अंदर के के चंदा कोचर के लिए विसल ब्लोअर बने थे अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताने कि हु वॉज द विसल ब्लोअर इन केस ऑफ आई जहां पर चंदा कोचर के केस के में क्या था हालांकि मैं अभी भी ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ दट वेदर शी इज गिल्टी और नॉट बिकॉज द प्रोसीडिंग्स आर स्टिल पेंडिंग बिफोर द कोर्ट सो वी कैनॉट से वेदर शी इज गिल्टी और नॉट बट यस कोई तो विसल ब्लोअर था जिसने क्या किया आईसीआईसीआई बैंक के केस में विसल ब्लो किया और उन्होंने बोला कि यहाँ पर चंदा कोचर के थ्रू काफी डाइवर्शन ऑफ फंड्स वगैरह हो रहे हैं अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट मिस कोचर वाज इन्वॉल्व और नॉट आई एम जस्ट टेलिंग दैट देयर वॉज अ पर्सन हु डिड दिस थिंग हु ब्लोड द विसल एंड सेट दैट देर इज समथिंग रॉन्ग इन द कंपनी सो अगर आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन पर आप उसको अटेम्प्ट दैट हु वॉज दैट पर्सन देन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी में अगर आप देखो तो अगे इंफॉर्मेशन शेल बी प्रिपेयर एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर देन चैनल फॉर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन शुड प्रोवाइड फॉर इक्वल टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू ऑल द इनफॉर्मेशन एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग शैल भी मेटेन स्पेसिफली रिकॉर्डिंग द डिसेंटिंग ओपिनियंस ऑल्सो सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा एंड एज कंपनी सेक्रेटरी इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिनट्स ऑफ मीटिंग को कैसे मेंटेन करते हो नाउ मैं अगर आपको अपने प्रस्पेक्टिव या अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊं मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कल को कंपनी में कोई भी लिटिगेशन होगा <coughs> या फिर कोई भी आपको कहीं पर भी कुछ प्रूव करना है वेदर लिटिगेशन विद द रेगुलेटर और विद द मिनिस्ट्री और लेट्स ए विद एनी ऑफ द पार्टी वहां पर मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो मिनट्स को बनाते वक्त तो आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि बेसिकली uh, आपको सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं करना वट एवर पॉजिटिव हैपेंड वहाँ पर कुछ अगर गलत हुआ कोई डिसेंटिंग ओपिनियंस आए तो उनको भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड योर ड्राफ्टिंग स्किल्स आर रियली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू बी दी कंपनी सेक्रेटरी इन अ लिस्टेड कंपनी सो देर द मिनट्स हैज़ टू बी प्रिपेयर बाई यू एंड वहाँ पर यह बोला हुआ है कि डिसेंटिंग ओपिनियंस को भी आप क्या करोगे अपने मिनट्स के अंदर प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड करोगे फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे दबिलिटी ऑफ एल ओडीआर विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दिस्टेड एंटिटीज जिनके कोई भी सिक्योरिटीज क्या है लिस्टेड है ऑन द रिकनाइज स्टॉक एक्सचेंज सो एनी लिस्टेड एंटिटी एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज ऑन दिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज उनके ऊपर ये क्या हो जाएगा एल ओडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगा <coughs> अब यहाँ पर आया हुआ है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड हमने आई के टाइम पर चेक किया था कि स्टॉक एक्सचेंजेस के एक मेन बोर्ड है और एक उनका एस एक्सचेंज होता है एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है सो so इन तीनों में से कहीं पर भी आपके स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ अगर लिस्टेड है तो आपको एल को फॉलो करना है देन इफ़ यू हैव लिस्टेड योर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और इफ़ यू हैव Listed your IDR, securitized debt instruments, security receipts, units issued by mutual fund, or any other security which will be specified by the board. So, as of now, I'll check. ये सब हमने डिस्कस किया है अपने कॉपरेट फंडिंग के सिलेबस के अंदर तो इन सब को जब आप लिस्ट करवाते हो तो आपको यहाँ पर एल एप्लीकेबिलिटी हो जाएगा नो डेफिनेटली अगर आप मेन बोर्ड पे लिस्टेड हो तो आपके कंप्लाइंसेस थोड़े ज़्यादा होंगे एस में हो तो कम होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर तो कुछ और है डेट है प्रेफरेंस है म्यूचुअल फंड है सबके के यहाँ पर अलग अलग डिस्कलोशन रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं बट वैन वी टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एल ओ डी देन गेस एल इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ देम सो एग्जाम में कई बार आपको थ्री मार्क क्वेश्चन मिल सकता है डिस्कस दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ एल तो कई बार स्टूडेंट्स का इस तरह से रिएक्शन होता था नॉट इन कॉपोरेट फंडिंग बट अदरवाइज दैट सर एल में क्या लिखे हमने तो खाली ये लिखा दैट ऑल द कंपनीज विच हैव द सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक मैनर ये सारे प्रोविजन को सो दिस इज देयर विच इज टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एल ओडीआर अब एल ओडीआर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी सेक्रेटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो वहां पर एल ओ डी आर के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू इन अ लिस्टेड कंपनी बट एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न अगेन एल ओ डी आर एज आई सेट एज अ कंपनी सेक्रेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूर करियर सो फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एल ओ डी आर इज फुल्ली अबाउट योर कंप्लाइंस एंड डिसक्लोजर्स इट्स ऑल अबाउट योर कम्पलायसेज एंड डिस्क्लोजर्स और यहाँ पर जो कम्प्लायंस और डिस्क्लोजर्स है वो कैसे हैं कुछ आपके वन टाइम कम्पलायंसेस है कुछ आपके क्वार्टरली कंप्लाइंस हैं कुछ हाफ ईयरली कम्पलायंसेस है कुछ ईयरली कंप्लाइंसेज है कुछ इवेंट बेस्ड कंप्लायसेज है और अगर मैं यहाँ पे कंप्लायसेज का बात करूँ तो यहाँ पर और ज्यादा बात किसका हो रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्लोजर्स सो ऑल दो विच आर वुट ह अब फर्दर अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले तो आता है रेगुलेशन सिक्स जो बेसिकली क्या बोलता है दैट अ लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एंड दैट कंपनी सेक्रेटरी इज गोइंग टू एक्ट एज द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी को दिया गया है एंड द रिक्शन हैज़ बिन गिवन इन दी एल रेगुलेशन सो कंप्लायंस ऑफिसर के लिए अगर हम बात करें तो कंप्लायंस ऑफिसर का यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या रहता है द कंप्लायंस ऑफिसर हैज़ टू इंश्योर कन्फर्मेटिव विद द रेगुलेटरी प्रोविजंस जो भी यहाँ पर रहते हैं एंड ये जो है प्रोविजंस दिस शुड बी कंप्लाइड और दिस शुड बी अप्लाइड नॉट जस्ट इन लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट इसके अलावा अगर आप चेक करोगे तो एज कम्पलाइंस ऑफिसर आपका दूसरा काम यहाँ पर क्या रहेगा दैट यू विल हैव टू डू कोऑर्डिनेशन विद द रेगुलेटर जैसे कि सेबी देन आल्सो विद द स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज इसके अलावा इनके साथ जो भी आपके यहां पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होंगे वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सो ऑल द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स विच आर पुट इज टू बी कंप्लाइड बाई द कंपनी सेक्रेटरी फर्दर अगर आप देखो तो रेगुलेशन सेवन जो है ये डील करता है अच्छा एक चीज ध्यान रखना प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द म्यूचुअल फंड ओके अब फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक इंटरमीडियरी को अपॉइंट करने के लिए बोला जा रहा है जिसका नाम होगा शेयर ट्रांसफर एजेंट और ये जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है ये बेसिकली क्या करता है आर टी ए मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द सिक्योरिटीज होल्डर्स कि कौन कौन सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर रहा है वहाँ पर जब भी कोई ट्रांसफर होगा और कुछ भी रहेगा इन सब को कौन रिकॉर्ड करता है बेसिकली द आर टी ए नाउ ये काम जो है ये बेसिकली आप इनहाउस भी कर सकते हो ये आर टी ए वाला जो काम है ये इनहाउस भी कर सकते हो विच मीन्स आपको अलग से एक से रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है दिस यू कैन डू इनहाउस अगर आपके जो सिक्योरिटी होल्डर्स है दैट इज लेस देन वन लैख अगर एक लाख से कम है तो ये आप इन हाउस भी कर सकते हो लेकिन द मोमेंट योर सिक्योरिटी होल्डर्स एक्सीड्स वन लैख अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा यू विल हैव टू अपॉइंट अ सेबी रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट जो कि बेसिकली हम किसको क्या बोलते हैं कैटेगरी टू दो कैटेगरीज होते हैं कैटेगरी टू शेयर ट्रांसफर एजेंट को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा या फिर कंपनी को खुद को अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी मस्ट अप्लाई टू एक्ट एज द शेयर ट्रांसफर एजेंट फॉर द कंपनी तो ये आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है अब ये कैटेगरी टू क्यों बोला है क्योंकि आप चेक करो इसको हम आर बोलते हैं ठीक है थेके? रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट सो रजिस्ट्रार बेसिकली क्या करता है ही प्रोवाइड सर्विसेज बिफोर द आई पी ओ एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट प्रोवाइड्स दी सर्विसेज आफ्टर द कंपनी गेट्स लिस्टेड सो दिस इज वॉट इज बिंग गिवन हियर। अब इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है दैट द लिस्टेड कंपनी शैल सबमिट अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट

नाउ देर इज ऑल्सो अ वन टाइम कम्पलायंस विच इज टू बी देयर अब यहाँ पर आप देखो बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट द प्रजर्वेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में रखा गया है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी को क्या करना है परमानेंटली मेंटेन करके रखना है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बेसिकली मेंटेन करके रखना है फॉर एट ईयर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन सो आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स को दो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में रखा गया है

एज अ इन्वेस्टर आपको जब भी कोई ग्रीवियंस है तो आप वहाँ पर क्या करते हो स्कोर्स पर जाके अपने टिकट को रेज कर सकते हो जो भी आपका ग्रीवियंस रहेगा यू कैन रेज अ टिकट देयर ऑन द स्कोर्स प्लेटफॉर्म अगेंस्ट दी कंपनी अब वो किसी भी रिगार्ड में हो सकता है कि आपको डिविडेंड नहीं मिला आपको नोटिस नहीं मिला या कोई भी आपका यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांसमिशन नहीं कर रहे तो इधर इन सब को बताया ना कंपनी को क्या कि वहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है इन्वेस्टर ग्रेवियंस डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर जिसको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी हम बोलते हैं तो एक इस तरह से करके किए कि अपना कमेटी बना हुआ रहता है और एक अलग से डिपार्टमेंट रहेगा कंपनी के अंदर और जनरली इसको कंपनी सेक्रेटरी ही हैंडल करता है और वहाँ पर इन्वेस्टर ग्रेवियंस को आप चेक करोगे सो यूल है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेट्स ना इफ़ रिमेंबर हमने जब फास्ट ट्रैक इशू किया था उस टाइम हमने देखा था डेट

क्वार्टर the फिर आपने उन कितनों को वहां पर रिजोल्व किया और कितने अभी भी क्या है आपके आउटस्टैंडिंग है बेसिस ऑफ दैट दिस इज टू बी प्लेस बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस तो आप स्टॉक एक्सचेंज को तो बताओगे इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्वार्टरली मीटिंग होगा वहां पर भी आप इसको प्रॉपरली डिस्कलोज करोगे सो दिस इज देयर इन द इनवेस्टर ग्रेवियंस मेनिज्म नाउ जब हम चैप्टर फोर को देख रहे हैं ऑब्लीगेश कंपनी सो यहाँ पर कुछ बेसिकली आपको रेगुलेशन बताए हुए हैं एंड ये सारे ऑब्लीगेशन जो है दिस इज़ टू बी कम्प्लाइड बाई ऑल द लिस्टेड कंपनीज़ बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि ये रेगुलेशन है इन रेगुलेशंस को बोला गया है दिस इज़ नॉट टू बी कम्प्लाइड बाई अ एस एम ई कम्पनी जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज में अगर लिस्टेड है तो उनको कंप्लाई नहीं करना इसके अलावा अगर कोई मेन बोर्ड पे है तो उसको भी इसके लिए कंप्लाई नहीं करना आप बोलोगे सर एस एम पे भी नहीं है मेन बोर्ड पे भी नहीं है तो ये कंप्लाई करना किसको है तो आप देखो सिंपली यहाँ पर प्रोविजन क्या है मेन बोर्ड पे उनको कंप्लाई नहीं करना जिनका कि अप कैपिटल टेन करोड़ को एक्सीड नहीं करता है एंड जिनका कि बेसिकली नेटवर्थ जो है ये ट्वेंटी फाइव करोड़ को एक्सीड नहीं करता इन दीवियस फाइनेंशियल ईयर अगर ये दोनों कंडीशन आपके मीट होते हैं और आप मेन बोर्ड पे लिस्टेड हो इन दैट केस आपको ये रेगुलेशंस को फॉलो करने का जरूरत नहीं है इसके अलावा आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज पे हो तो भी आपको इसको कंप्लाई करने का जरूरत नहीं है आई एम टॉकिंग अबाउट दीज रेगुलेशन फ्रॉम रेग्युलेशन सेवनटीन टिल रेगुलेशन ट्वेंटी सेवन रेगुलेशन ट्वेंटीबल टू ऑल बट फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इन रेगुलेशंस के बारे में एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर बताओ तो इम्पॉर्टेंट है इसमें से काफी सारे टर्म्स अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि ये टर्म्स आपने ऑलरेडी सुना हुआ है जैसे कि ऑडिट कमेटी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था विजल मैकेनिज्म रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस योर अब सबसे पहले आ जाता है विद रिगार्ड टू द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो एल ओडीआर यहाँ पे डिस्कस कर रहा है इन रेगुलेशन द ऑप्टिमम दिन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आपका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे उसमें एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट जो होगा दे शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव Then, पर बोला गया है कि जो टॉप वन थाउजेंड कंपनीज है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन अप्रिल फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा दीज कंपनी वु रिक्वायर एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर ऑन देअर बोर्ड यह ऑलरेडी मैंडेटरी कर दिया गया था फॉर द टॉप फाइव हंड्रेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2019 ये वहां से तो एप्लीकेबल हो गया था फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2020 दिस गेट्स एप्लीकेबल फॉर द टॉप 1000 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन कब का देखना है मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तो आप यहाँ पे चेक करोगे सो so, जैसे फर्स्ट अप्रैल 2020 है तो आप चेक करोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन थर्टी मार्च 2020 उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा जो भी टॉप 500 कंपनीज़ होगी उनके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा इसके अलावा अगर आप किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो जिनका की एज 75 फाइव ईयर्स या उसके बियॉन्ड जा चुका है इनका अपॉइंटमेंट होगा वाया स्पेशल रेजोल्यूशन जब आप यहाँ पे नोटिस दोगे उस नोटिस के अंदर आपका एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा विच विल इंडिकेट द जस्टिफिकेशन कि आप इनको क्यों अपॉइंट करना चाहते हो यहाँ पर फर्दर अगर आप यहाँ पर देखो तो बात आएगा कि चेयरमैन के लिए तो चेयरमैन के लिए यहाँ पर ऐसे बोला गया है दैट ये जो चेयरमैन होगा अगर ये चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इफ़ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी इज़ एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन दैट केस आपका आधा जो बोर्ड होगा वो कौन रहेगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसको शॉर्ट में अपन आईडी लिखते हैं तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसके अलावा अगर आपका जो चेयरमैन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अब यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर भी दो पार्ट हो जाएगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु वॉज द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु वॉज नॉट द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी जैसे अगर आप चेक करो इन केस ऑफ इन्फोसिस मिस्टर नारायण मूर्ति ही इज़ नो मोर अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर ही इज अ प्रोमोटर तो अगर वो चेयरमैन बनते हैं यहाँ पर बोर्ड का तो अगेन यहाँ पर बोला गया है एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड कम्प्राइज ऑफ इट शुड वुज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और अगर कोई नॉन प्रमोटर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सो एटलीस्ट लीस्ट वन थर्ड ऑफ द बोर्ड शुड बी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो आपको ये यह एक यहाँ पर ध्यान रखना है इसके अलावा अगर आपने स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स अगर आपने एस आर इक्विटी शेयर्स को इशू किया हुआ है इफ द एस आर इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन दैट केस यहां पर बोला गया है एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी वट इट शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ओनली ओके तो यह प्रोविजन है फर्दर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया है कि आपको बोर्ड मीटिंग करना है ठीक है सो दिस बोर्ड मीटिंग विल बी हेल्ड एटलीस्ट फोर टाइम्स अयर विद मैक्सिमम गैप ऑफ वन ट्वेंटी डेज बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स इसके अलावा आप देखो यहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग है इनके लिए कोरम भी बताया हुआ है कोरम इज वन थर्ड ऑफ द स्ट्रेंथ और थ्री डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर फिर ये जो बोर्ड मीटिंग है दिस बोर्ड मीटिंग कैन ऑल्सो भी कंडक्टेड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उसके अंदर भी कोरम को काउंट किया जाएगा तो बेसिकली एनी डायरेक्टर हु इज अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और यूजिंग एनी ऑडियो विजुअल मोड दे विल बी काउंटेड फॉर द कोरम इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए यहाँ पर बोला गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इन दे शुड हैव अ प्लान फॉर ऑर्डरली सक्सेशन जैसे रतन टाटा जी के रिटायर होने के बाद साइरस मिस्त्री को अपॉइंट किया गया था सो सेम वे यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला सेम वे अगर आप आई में चेक करो तो आई के अंदर भी आदित्य पुरी सर को अपॉइंट किया गया आफ्टर वाई सी देवेश्वर सर आ, वर वॉज प्लानिंग टू रिटायर देयर देन यहाँ पर बोला गया है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कोई भी स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं दिया जाएगा सो देर विल बी नो स्टॉक ऑप्शन टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर आप यहाँ पे देखो ये जो रेमेशन है ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसके लिए आपको क्या लगेगा प्रायर शेयर होल्डर अप्रूवल अगर किसी एक डायरेक्टर का रेमेशन जो है वो आपके टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रेम्योरेशन के 50 परसेंट को एक्सीड कर जाता है इफ़ एनी पर्टिकुलर वन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एक्सीड 50 परसेंट ऑफ द टोटल एनुअल रेम्यूनोरेशन विच इज़ पेड टू ऑल अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फर्दर अगर आप यहाँ पे चेक करो तो जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ठीक है थेके? इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए बोला गया कि अगर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोटर है जैसे मुकेश अंबानी इन केस ऑफ रिलायंस अगर है तो इन दैट केस यहाँ पर वाया स्पेशल रेजोल्यूशन इन दिनरल मीटिंग इनका रेम्युनोरेशन फिक्स किया जाएगा अगर इफ अब यह ऐसा नहीं है इफ दिस इज गोइंग टू हैपन इफ द रेम्युनिशन विच यू आर पेइंग एनुअल रेम्युनोरेशन ऑफ द डायरेक्टर इट एक्सीड्स रुपीज फाइव करोड़ और इट एक्सीड्स टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली विच एवर इज हायर सो so, ये आपके लिए था रिगार्डिंग द कम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर अगर हम चेक करें रेगुलेशन 17 ए है जो कि बात करता है मैक्सिमम डायरेक्टरशिप सो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप क्या होगा कि एक अगर इंसान है वो कितने कंपनीज में मैक्सिमम डायरेक्टर यहाँ पे बन सकता है सो अ पर्टिकुलर पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर इन अ कंपनी मैक्सिमम तो यहाँ पर बताया गया है दिस इज फॉर सेवन कंपनी सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप दैट इज अलाउड इट इज़ फॉर सेवन कंपनीज इसके अलावा अगर कोई फुल टाइम डायरेक्टर है या कोई किसी कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है सो इन दैट केस ही कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सम अदर कंपनी बट ये कितने होंगे मैक्सिमम थ्री सो जैसे मुकेश अंबानी ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस ही कैन बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन लेट से इन्फोसिस और लेट्स एप्रो और लेट से आई टी सी बट ऐसे तीन कंपनीज ही होंगे वो तीन से ज़्यादा कंपनीज में नहीं बन सकते अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर क्या हो वोल्टेम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज तो जैसे कि ऑडिट कमेटी हो गया एनआरसी कमेटी हो गया स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी हो गया रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो गया तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटीज आर देयर विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म्ड अब हम यहाँ पे बात करें अगर सबसे पहले ऑडिट कमेटी का सो वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट कमेटी इन केस ऑफ अ कंपनी इज ऑडिट कमेटी और इनका पूरा का पूरा जो पिलर रहेगा दिस इज बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे इंश्योर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसीलिए जब भी कभी कोई फ्रॉड होता है कुछ भी ऐसे इररेग्युलरिटीज मिलते हैं आप येस yes बैंक उठाकर देखो आप डी एच एफ एल उठाकर देखो आप कोई भी कंपनी को उठाकर देखोगे सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ रेज किया जाता है ऑडिट कमेटी के ऊपर दैट वट वॉज द ऑडिट कमेटी डूइंग नाउ इन केस ऑफ ऑडिट कमेटी के अगर आप बात करो तो ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम तीन मेंबर्स होने चाहिए सो एटलीस्ट थ्री मेंबर्स शुड बी देयर इन दी ऑडिट कमेटी एंड ऑबियसली ये डायरेक्टर्स ही रहते हैं सो थ्री मेंबर्स से मेरा मतलब है यहाँ पर देयर शुड बी एटलीस्ट थ्री डायरेक्टर्स इसके अलावा ऑडिट कमेटी के अंदर टू थर्ड जो स्ट्रेंथ रहेगा दे आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सो टू थर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और अगर कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स को इशू करके रखा हुआ है इन दैट केस यहाँ पर

ऑडिट कमेटी का जो चेयर पर्सन होगा द चेयर पर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओनली सो द चेयर पर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी विल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसके अलावा द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी विल एक्ट एज द सेक्रेटरी टू ऑडिट कमेटी इसके अलावा अगर आप चेक करो तो ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग होगी इस मीटिंग के अंदर कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा सो नो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मस्ट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी देन ये जो ऑडिट कमेटी है ये कितनी बार मिलेंगे ये मिलेंगे सार में चार बार सो एटलीस्ट फोर टाइम्स ऑडिट कमेटी का यहाँ पर मीटिंग होगा और सेम यहाँ पर है दैट द मैक्सीम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स शुड बी ऑफ हाउ मैनी डेज इट शुड बी ऑफ वन ट्वेंटी डेज सो मैक्मम वन ट्वेंटी डेज गैप बिटवीन द टू बोर्ड मीटिंग्स ओके सो ये एक यहाँ पर प्रोवेशन आता है इसके अलावा अगर आप चेक करो कि यहाँ पर जब ये बोर्ड मीटिंग होगा इनका तो इनके लिए कोरम कितना हो तो अगर आप यहाँ पे कोरम के बारे में चेक करो तो देखो मिनी यहाँ पर इनका स्ट्रेंथ क्या है तीन मेंबर्स का सो कोरम यहाँ पर कितना है इट इज़ टू और वन थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड विच एवर इज़ हायर एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए जब आप ऑडिट कमेटी के यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करवा रहे हो क्या इस मीटिंग को कंडक्ट करवाते हो नेक्स्ट अगर आप चेक करो एन आर सी कमेटी दैट्स द नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी सो एन आर सी कमेटी जो रहेगा ध्यान रखना हम इन कमिटीज़ का रोल क्या रहता है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे फिलहाल मैं आपको इसके कॉम्पोजिशन और इनके मीटिंग्स के बारे में पूरा कवर करवा रहा हूँ नेक्स्ट इज़ वी हैव द नॉमिनेशन एंड रेम्युनोरेशन कमेटी सो नॉमिनेशन एंड रेम्योनेरेशन कमेटी के अंदर कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए सो हेयर यू नीड मिनिमम ऑफ थ्री डायरेक्टर्स ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शुड भी देयर विद एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट क्या रहने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम फिफ्टी परसेंट ऑफ द स्ट्रेंथ शुड भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और अगर आपने एस आर इक्विटी शेयर्स को इशू किया हुआ है इन दैट केस आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो हंड्रेड परसेंट किससे बनेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से बनेगा अब आप देखो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको एक जैसे कॉमन कॉमन पॉइंट्स मिलते रहेंगे देन फर्दर अगर आप यहाँ पर देखो जो चेयरमैन है the chairman of this committee will be whom he will be the independent director plus yahan par chairman ke upar ek responsibility dala gaya hai that the chairman must be present in the annual general meeting to answer the shareholder queries ab dhyan rakhna ye committee bahut zyada important ho jayega kyunki aap dekho jo nrc committee है nomination and remuneration committee directors का appointment उनका remuneration decide करना इन सब को यहाँ पर बेसिकली uh, कौन सपोर्ट करता है इट इज डन बाय द एनआरसी कमेटी इसके अलावा एनआरसी कमेटी जो है ये साल में एक बार कम से कम मिलेगा सो so, इनका जो मीटिंग है दैट शुड हैपन एट लीस्ट वंस अ ईयर और इनका कोरम क्या होगा मीटिंग के लिए दिस विल बी आइदर टू मेम्बर्स और वन थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑब्वियसली विच एवर इज हायर विद एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फर्दर अगर आप चेक करो तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ये वाला जो कमेटी का है ये भी आपके लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा जैसे यहाँ पर प्रोविजन है ऑलमोस्ट वैसे ही यहाँ पर प्रोविजन रहेंगे कि यहाँ पर कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए एटलीस्ट थ्री डायरेक्टर्स होने चाहिए सो मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी और ये इनमें से एटलीस्ट वन शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन इफ एस आर इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन दैट केस ऑल शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इनका मीटिंग जो होगा दिस शुड हैपन एट लीस्ट वंस अ ईयर और इनका जो चेयरमैन होगा द चेयरमैन शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड इनको भी बोला गया है यू शुड रिमेन प्रेजेंट इन द ए जी एम सो मस्ट बी प्रेजेंट इन द ए जी एम अगेन शेयर होल्डर्स के जो भी क्वेरीज रहेंगे उनको आंसर करने के लिए नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पास है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी सो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लिए यहाँ पर बताया हुआ है एक तो देखो ये कमेटी बनाना है किसको टॉप 500 कंपनीज़ बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन सो टॉप 500 कंपनीज़ बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन उनको ये बनाना पड़ेगा इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो रहेगा इनका मीटिंग कितना होना चाहिए एटलीस्ट वंस ईयर फर्दर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट दिस कमेटी द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड जो मेजोरिटी ऑफ द मेम्बर्स होंगे वो कौन होंगे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और अगर कंपनी ने एस आर इक्विटी शेयर्स को इशू किया हुआ है सो इफ एस आर इक्विटी शेयर्स आर इशूड देन इन दैट केस वन थर्ड ऑफ द बोर्ड शुड बी बेसिकली द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट

रिपोर्ट करता है इस तरह से जेनविन कंसर्न को उनको आपको क्या करना पड़ेगा यू विल हैव टू प्रोवाइड देम सेफ अगेंस्ट दी विक्टिमाइजेशन ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज और एनी अदर पर्सन इसके अलावा विजल मैकेनिज्म जो होगा अब इनके साथ देखो विक्टिमाइजेशन का क्या जरूरत है क्योंकि आप देखो जिस तरह से अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो हो सकता है वहां पर आपके अगेंस्ट में फिर क्या हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रिवोल्ट हो आपको परेशान किया जाए आपको बुली किया जाए इन सब के लिए आपको यहाँ पे सेफ करेगा विजल मैकेनिज्म एंड विजल मैकेनिज्म के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है दैट यू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी तो so ये हमने ऑलरेडी चेक किया था कि ऑडिट कमेटी कैसे इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट होता है इन केस ऑफ कॉपोरेट गवर्नेंस तो यहाँ पर कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो वेजल मैकेनिज्म के थ्रू आपको चेयर पर्सन को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा वेर यू कैन गो एंड रिपोर्ट वट एवर रॉन्ग दैट इज हैपनिंग इन द कंपनी या फिर आपको कहीं पर कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग्स अगर दिखते हैं जहाँ पर आपको लग रहा है विच रिक्वायर्स द इमीडिएट अटेंशन तो यहाँ पर आपके पास पूरा पूरा ऑप्शन रहेगा टू गो एंड रिपोर्ट फर्दर अगर हम चेक करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोविजन है यह आपका एग्जाम परस्पेक्टिव से एंड प्रैक्टिकली भी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एकेडमिकली तो मैं फिर भी आपको बताऊँगा इट इज़ वेरी सिंपल वेन यू कंपेयर इट टू द एक्चुअली वेन यू हैव टू डू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और कैसे आप वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हो बहुत कुछ यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इन डे एस यहाँ पर लगेगा कंपनीज एक्ट बीच में आते हैं एल ओ डी आर रेगुलेशन होता है एवरीवेयर इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड टू फार्मुलेट अ पॉलिसी और इसी के लिए यहाँ पर कंपनी को क्या बोला गया है एवरी कंपनी मस्ट फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नाउ वेन वी टॉक अबाउट मटीरियल तो यहाँ पर देखो मटीरियल को डिफाइन किया गया है और मटीरियल को तब बोला गया है वेन इट एक्सीड्स जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वेन इट एक्सीड्स टेन परसेंट ऑफ कंसॉलिडेटेड टर्नओवर ऑफ़ द कंपनी और कंसोलिडेटेड एनुअल टर्नओवर उसको अगर ये एक्सीड कर जाता है तो इसको क्या बोला गया है मटेरियल ट्रांजैक्शन इसके अलावा आपको एक चीज़ और देखना है कि अगर ब्रांड यूसेज या रॉयल्टी का पेमेंट हो रहा है ठीक है जैसे मारुति सुजुकी के अंदर सुजुकी को आप वहाँ पर रॉयल्टी वगैरह का पेमेंट हो रहा है तो इन दैट केस उसको कब मटीरियल माना जाएगा इफ सच ट्रांजेक्शन एक्सीड्स फाइव परसेंट ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्न ओवर ऑफ़ लिस्टेड एंटिटी इस पर मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ गो एन रिसर्च मारुति सुजुकी का क्या इशू हुआ था बिकॉज ये जितने भी रेगुलेशन आपको मिलेंगे और मैंने आपको जैसे बताया बहुत बार अमेंड हुआ है दिज ऑल हैव बिन अमेंडेड इन लाइट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन दपरेट इंडिया तो ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा इसके अलावा ये जो पॉलिसी है दिस पॉलिसी विल भी रिव्यूड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट वंस इन एवरी थ्री ईयर्स इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जितने भी आपके मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होंगे सो ऑल मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स ये रिलेटेड मटीरियल ये मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए यू विल ऑल्सो रिक्वायर द शेयर होल्डर्स अप्रूवल एंड इन दिस केस बेसिकली जो भी रिलेटेड पार्टी होगा दैट रिलेटेड पार्टी विल नॉट बी अलाउड टू वोट सो ये जिस मीटिंग के अंदर आप शेयर होल्डर का अप्रूवल लोगे द रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन शुड नॉट वोट नाउ दिस कंडीशन ये जो यहाँ पर है शेयर होल्डर ये एग्जेम किया गया है ये वाला कंडीशन को इन टू केसेस अगर दो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो आपस में क्या कर रहे है ट्रांजेक्शन कर रहे तो उनको यहाँ पर एक एग्जेम्पन दिया गया है बिकॉज ऑब्वियस अब बात है दो गवर्नमेंट कंपनी अगर ट्रांजेक्शन करे तो वैसे ही वो रिलेटेड पार्टी हो गए तो यहाँ पर उनको एग्जेम्ट है एंड इसके अलावा इफ द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स वोली ओन सब्सिडरी सो इवन इन दैट केस यहाँ पर इसको एग्जेम किया गया है कि आपको शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं लेना वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में तो फॉल करेगा बट अगेन द अप्रूवल विल नॉट बी रिक्वायर्ड फर्दर अगर आप देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर तो यहाँ पर जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं सो ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स अब ध्यान रखना यहाँ पर हमने किसके बारे में बात किया था इन केस ऑफ मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ दैट ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स दिस विल रिक्वायर प्रायर ऑडिट कमेटी अप्रूवल अब ध्यान रखना ये जो आपको प्रायर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल मिलेगा यू कैन ऑल्सो गेट अ ओमनी बस अप्रूवल ना अभी ओमनी बस अप्रूवल का क्या मतलब होता है एक आपको ओवरऑल लिमिट मिल गया कि इतने तक का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली इतने का ट्रांजैक्शन का अप्रूवल हम आपको ऑलरेडी दे रहे तो इसके अंदर कोई भी अमाउंट हो सकता है लेट्स आई कैन गिव अ ओमनी बस अप्रूवल फॉर फिफ्टी करोड़्स इट कैन बी फॉर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कुछ भी रहेगा अब ये जो ओमनी अप्रूवल आपको मिलता है इसका वैलिडिटी कितना रहेगा इसका वैलिडिटी रहेगा रहे वन ईयर ये जो ओमनी बस अप्रूवल आपको दिया जाएगा इस ओमनी बस अप्रूवल के अंदर सब चीज़ें मैंशन होंगी जैसे कि कौन कौन रिलेटेड पार्टी है जिनके साथ आपको मिला हुआ है यहाँ पर ओमनी बस अप्रूवल सो द नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी देन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देन द पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इसके अलावा क्या आपका करेंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस होगा या क्या आपका यहाँ पर बेस प्राइस रहेगा जिससे आप कोई ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह नहीं दो एंड एनी वेरिएशन कि आप उसमें कितना वेरिएशन कर सकते हो इन सब के बारे में आपका यहाँ पर पूरा पूरा मेंशन रहेगा एंड देन दे आर आल्सो गोइंग टू रिव्यू ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्वार्टरली सो रिव्यू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्वार्टरली सो ये कुछ आपके पास प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स नेक्स्ट आप देखो तो यहाँ पर आ जाता है कॉपोरेट गवर्नेंस फॉर अ अनलिस्टेड सब्सिडरी तो आप यहाँ पर ध्यान रखो सीनारियो कैसा है देर इज अस्टेड कंपनी एंड दिस लिस्टेड कंपनी इज वट दिस लिस्टेड कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी और इसकी एक सब्सिडरी है विच इज़ वट विच इज़ अनलिस्टेड सो दिस लिस्टेड होल्डिंग कंपनी हैज़ एंडलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी अब यहाँ पर क्या कव, पर गवर्नेंस के नॉर्म्स आपको मेंटेन करके रखने हैं ये प्रोविजन इधर आ रहा है अब यहाँ पर बेसिकली क्या बताया हुआ है कि ये जो लिस्टेड कंपनी होगा ठीक है इसका ऑडिट कमेटी इज गोइंग टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी सो द ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड कंपनी इट इज गोइंग टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस अनलिस्टिड सब्सिडरी कंपनी इसके अलावा इस अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी के जो मिनट्स होंगे ऑफ बोर्ड मीटिंग दिस विल बी प्लेस्ड इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ लिस्टेड एंटिटी देन लिस्टेड एंटिटी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सो द लिस्टेड एंटिटीज इज एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी ना अब एक ही एक क्वेश्चन आता है कि मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी हम किसको मानेंगे सो मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी वो होगा जिसका कि इनकम या फिर नेटवर्थ इनके कंसोलिडेटेड नेटवर्थ या इनकम से 20% परसेंट को एक्सीड करता हो सो दिस शुड बी 20% परसेंट मोर देन 20% परसेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ इसके अलावा यहाँ पर जो लिस्टेड एंटिटी है उनके ऊपर क्या किया गया है एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है दैट द लिस्टेड एंटिटी इट शुड नॉट डिस्पोज शेयर्स ऑफ अ मटीरियल सब्सिडरी एंड दिस डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ठीक है दिस इज रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ द ओवरऑल शेयर होल्डिंग फॉल बिलो फिफ्टी परसेंट सो बेसिकली फिर वो सब्सिडरी रहेगा ही नहीं तो अगर आप इस तरह से डिस्पोज ऑफ़ करते हो इन दैट केस कंपनी को बोला गया है please pass the special resolution only then you can do this but again you can get away with this requirement अगर आप क्या कर रहे हो ये disposal कर रहे हो pursuant to a scheme of arrangement या फिर pursuant to a resolution plan under IBC which is approved by NCLT or a court ध्यान रखना आपको exception दिया जा रहा है किसके लिए only for the स्पेशल रेजोल्यूशन सो इन दैट केस यू डोंट हैव टू पास अ स्पेशल रेजोलूशन बिकॉज स्कीम में ऑलरेडी आप स्पेशल रेजोलूशन एक्ट्रा ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास करके आते हो मेजॉरिटी नंबर एंड थ्री फोर्थ एंड वैल्यू एंड रेजोल्यूशन प्लान में तो एवरीथिंग गेट्स ओवर रेडन ड्यू टू आई बी सी सो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है अदरवाइज यू विल हैव टू टेक अ स्पेशल रेजोल्यूशन इफ योर डिस्पोजल रिजल्ट इन वॉट इफ यूर डिस्पोजल रिजल्ट इन योर शेयर होल्डिंग फॉल बिलो फिफ्टी परसेंट इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई भी एसेट्स को जो सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स है उसको अगर आप क्या कर रहे हो इफ़ यू आर सेलिंग या आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या फिर आप उनको लीज कर रहे हो विच इज मोर देन 20% परसेंट ऑफ द एसेट्स ऑफ मटीरियल सब्सिडरी सो अगेन यहाँ पर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट आ जाएगा फर्दर अगर आप देखो सेक्रेटेरियल ऑडिट तो सेक्रेटेरियल ऑडिट इज़ नाउ मेड मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी प्लस इनके जितने भी मटेरियल सब्सिडरीज है जो कि इंडिया में है अब ये जो सेक्रेटेरियल ऑडिट होगा ये सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन करेगा दिस विल बी डन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड बेसिकली ये जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है ये क्या करेगा इट इज़ गोइंग टू इशू सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट एंड दिस सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट दिस इज गोइंग टू बी एनेक्ट विद द बोर्ड रिपोर्ट एंड दिस विल बी सेंट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी तो ये आपका ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिस इज टू बी अगेन सबमिटेड बाई द कंपनी विद इन फिफ्टीन डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द क्वार्टर दिस इज टू बी सबमिटेड अगेन टू द रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज तो आप so, यह आपके क्वार्टरली कंप्लायंस में आता है इसके अलावा भी काफी सारे कंप्लायंसेस है बट यहां पर जो जो मैंडेटरी था एक बार ये मैंने आपको बताया फर्दर अब हम चेक करेंगे कंप्लायंसिस फॉर ऑल द कंपनीज अभी तक ये सिलेक्टिव था इसके बाद वाले जो कंप्लायंस है दैट इज फ्रॉम रेगुलेशन ट्वेंटी एट ऑनवर्ड्स दिस इज द कम्पलायंस और बेसिकली दीज आर द दम्पलायंस विच आर मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज